हो गया। अभी देखिए 108/100, अब टेबल यदि याद है, 4 से 2 नौ, देखिए 27 चौ 78 से और 25 चौ 100। अब ये देखिए 27 का टेबल याद है तो 108 कट गया 4 बार में, ये भी 4 बार में, ये भी 4, ये 25 से कट जाएगा, 25 75 27 81। तो स्लो एट होता है, फास्ट एट होता है, जियर एट होता है, एम के साथ क्या लगता है तो एम एट होता है, लाफ एट होता है। अब ये चीज जो है, लेकिन जब वीक देंगे तो वीक के साथ इन होता है, ये थोड़ा सा टेक्निकली होता है। नमस्कार दोस्तों, मगध ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जो ये वीडियो YouTube चैनल पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, और यदि Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook को लाइक करना, Facebook पेज को लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। Facebook पर भी बेल आइकन बटन आ गए हैं। तो देखेंगे क्या कि हाउ टू प्रिपेयर बैंक एग्जाम्स। बच्चों को बैंक एग्जाम की तैयारी करने के लिए या जनरल कंपटीशन की तैयारी करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और जो 10th तक आप पढ़े हैं उस पर पकड़ होनी चाहिए। तो डिमांड जैसा कि किए हैं आप लोग, तो बैंक एग्ज़ाम का तैयारी कैसे करें, इसमें सबसे मेजर बातें होती है कि आपका कैलकुलेशन और IQ। IQ का मतलब लॉजिक थोड़ा होना चाहिए, इसके अलावे आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं। अब कैलकुलेशन की हम बात आज करेंगे, सबसे पहले नेक्स्ट वीडियो में IQ या लॉजिक की बात करेंगे। तो सबसे पहले कैलकुलेशन कैसे आप मजबूत करिए, ये सबसे बड़ा इशू है। तो कैलकुलेशन में आपको क्या चाहिए, टेबल्स। कैलकुलेशन में क्या चाहिए, टेबल्स। कितना, कम से कम 1 से 10 तक तो याद ही रहता है, 11 to 25 ये टेबल्स याद होने चाहिए। इसके बाद स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर आपको 1 स्क्वायर से लेकर के 25 के स्क्वायर तक याद होने चाहिए। आप 35 करिए तो और बेहतर। क्यूब नंबर की बात करेंगे, क्यूब नंबर जो है आपको 15 तक याद होने चाहिए। ये आपका कैलकुलेशन का पहला स्टेप है। इतना बिना याद किए आपका कैलकुलेशन सही नहीं होगा। अब मान लिया जाए आपका 138 है और ये 23 है, इनटू 6 आ रहा है, मान लिया जाए चलिए इनटू 7 आ रहा। अब ये 23 का टेबल यदि आपको नहीं होगा, आप इसको भाग देने लगिएगा, गुना करिएगा, अब 23 6 38 से अब 46 42 आपका ये कैलकुलेशन। तो इस तरह का कैलकुलेशन आपको देना है। इसमें आगे जैसा है जो देखेंगे क्या, अब जैसे देखिए 190/950 × 100 है, इसको कैलकुलेट करना है। यदि आपको 19 का टेबल नहीं पता होगा तो नहीं होगा। अब ये देखिए 19 × 5 = 95 और ये 5 से कट जाएगा, 20 × 5 = 100, इसका आ जाएगा 20। अब ये देखिए 0 से 0 गया, 17 का टेबल याद नहीं है तो 17 × 6 = 102, 17 × 6 = 72 से आप इंग्लिश मीडियम में याद करना है टेबल, हिंदी मीडियम में याद करना, ये आपका इशू है, लेकिन ये टेबल याद होने चाहिए। अब ये देख लीजिए 3 हो गया, ये 50 हो गया, अब ये 16 × 48 2/3 ये हो गया। अभी देखिए 108/100, अब टेबल यदि याद है 4 से 2 नौ, देखिए 27 चौ 78 से और 25 चौ 100। अब ये देखिए 27 का टेबल याद है तो 108 कट गया 4 बार में, ये भी 4 बार में, ये भी 4, ये 25 से कट जाएगा, 25 75 27 81। कहने का मतलब कि मिनिमम 25 तक टेबल आपको याद है, आप 30 तक प्रैक्टिस करते करते फिर बढ़ जाता है, ये इशू नहीं है। तो क्या याद रखना है, टेबल 11 से 25 तक, स्क्वायर नंबर 1 स्क्वायर से 25 स्क्वायर तक, और क्यूब नंबर 1 क्यूब से 15 का क्यूब तक। यदि हम अंग्रेजी में बात करें, यदि अंग्रेजी में बात करें तो आपको वर्ड मीनिंग जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बैंक क्लर्क का एग्जाम हो, बैंक PO का एग्जाम हो, या किसी भी कंपटीशन का एग्जाम हो, SSC का, ग्रेजुएट लेवल CGL जो भी हो, इसमें वर्ड मीनिंग बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल इंग्लिश में खास करके निभाता है। कारण
कि आपको वर्ड मीनिंग पैसेज रहेगा तो पैसेज को समझना हो तो कैसे, देखिए नॉर्मल वर्ड मीनिंग आपको बेसक पता हो। अब लेकिन यहीं पर देखिए बार्टर का यूज जनरली कम करते हैं आप बोलचाल में या इधर उधर कम देखते हैं, एडमोनिश का प्रयोग कम होता है। अब ये डील जानते होंगे, रिटर्न जानते होंगे, लेंड जानते होंगे, एक्सचेंज जानते होंगे, लेकिन जब इसका मीनिंग नहीं पता होगा तो आप कैसे इसको ऑप्शन में चूज कीजिएगा कि बार्टर का मतलब क्या होता है। तो बार्टर का मतलब होता है आदान प्रदान करना, बार्टर का मतलब होता है आदान प्रदान करना, आदान प्रदान का मतलब एक्सचेंज हो गया। इसी तरह से एडमोनिश, एडमोनिश का मतलब होता है डांटना फटकारना, डांटना डराना, डराना के रूप में डांटना। अब ये थ्रेटन जो होता है ये यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, प्रेज प्रशंसा करना, अपील अपील आग्रह करना, सपोर्ट समर्थन करना किसी को। अब डील जो है, डील किसी चीज का डील करते हैं, डील इन होता है, डील विद होता है किसी व्यक्ति के साथ, तो डील विद, किसी वस्तु का डील कर रहे हैं व्यापार के सेंस में तो वो डील होता है, रिटर्न वापस लौटना, लेंड उधार देना उधारी लगाना जो है। तो ये वर्ड मीनिंग इसी में एंटोनिम्स आता है। तो दूसरा स्टेप क्या हुआ कि आपको रोज का कम से कम, रोज का कम से कम आप 25 वर्ड्स आपको याद करने हैं, जो याद है वो तो है ही, 25 वर्ड्स याद करने हैं मिनिमम। और इसके लिए आप मेरा फेसबुक पेज जो मगध ज्ञान केंद्र का है, फेसबुक पेज पे जाएं और जो अपलोड शुरू से किया हुआ है आप उसमें देखिएगा, वर्ड मीनिंग काफ़ी है, फिर भी हम और अपलोड कर देंगे वर्ड मीनिंग का, आज ज़रूर जा करके देखें उसको। इंग्लिश में जो है दूसरा जो पार्ट आता है वर्ड वर्ड मीनिंग के बाद वो आता है ग्रामर का पार्ट आता है। ग्रामर जो है आपको बढ़िया से पकड़ होनी चाहिए, कारण ज़्यादा नहीं तो 30-40% का क्वेश्चन जो है ग्रामर पे आता है। 30% तो मानिए ही मानिए कि यदि आपको 50 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 15 क्वेश्चन तो ग्रामर बेस्ड होगा ही, यदि आपका 25 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 7-8 क्वेश्चन तो ग्रामर बेस्ड होगा ही। तो ग्रामर में सबसे बड़ा मेन जो है आपके पास फ्रेजल वर्ब्स, ये याद होने चाहिए जो वर्ड बेस्ड हैं, प्रीपोजिशन जो है याद होने चाहिए। तो ये सारा फ्रेजल वर्ब का तो वीडियो अभी नहीं होगा लेकिन प्रीपोजिशन का वीडियो बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। अब कैसे कि डील है तो डील इन समथिंग, यही याद कर लेना, डील इन समथिंग, डील विद समबडी। अब ये है किसी के साथ व्यापार करना तो डील विद, किसी वस्तु का व्यापार करना, रोजगार करना तो डील इन। इसी तरीके से जैसे होता है प्रिवेंट, तो प्रिवेंट के बाद कौन प्रीपोजिशन आता है, प्रिवेंट फ्रॉम। प्रोहिबिट के बाद कौन सा प्रीपोजिशन आता है, तो प्रोहिबिट फ्रॉम। रेफरेन के बाद कौन सा आता है जी, तो रेफरेन फ्रॉम। अब ये आपको याद कर लेना है ऐसे प्रीपोजिशन। अब जैसे मान लिया जाए स्लो है, स्ट्रॉन्ग एट, फास्ट एट, स्लो एट, गुड एट, गुड एट होता है, बैड एट होता है, तो इन सभी के बाद एट लगते हैं। अब ये वीक इन होता है, तो इस तरह से आपको याद होने चाहिए। जब तक याद नहीं रहेगा तो वहाँ क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो आज जो बेसिक जो आप बात किए थे कि बैंकिंग का तैयारी कैसे करें, बैंक एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करें, तो सबसे पहले कैलकुलेशन अपना सही कीजिए और दूसरा काम है वर्ड मीनिंग सही कीजिए। ये दो काम हर हाल में आपका होना चाहिए। तो हाउ टू प्रिपेयर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, बैंक एग्जाम्स, इसका वीडियो पार्ट वन ये है और पार्ट टू हम बाद में लेकर के आएंगे। पहले इतना काम करिए, क्या करना है, स्क्वायर नंबर, टेबल, क्यूब नंबर, ये याद कर लेना है। उसके बाद वर्ड मीनिंग रोज का कम से कम 25 याद करना है। 10 दिन 15 दिन आप करिए, फिर देखिएगा कि कितना परिवर्तन आता है। जय हिंद, जय भारत। और हमारे यूट्यूब चैनल को आप थोड़ा ध्यान दीजिए और लोगों तक इसे पहुँचाइए ज़्यादा से ज़्यादा, जितना हो सके।